तो दोस्तों Redmi Note 8 Pro एक बहुत ही बड़ा मजाक हुआ है Redmi Note 8 Pro के साथ, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स का, आई होप आप पूरा कर देंगे। तो यार Redmi Note 8 Pro के लिए ग्लोबल में चल रही है MIUI 12.5.1 विद Android 11, तो हमें उम्मीद थी कि यार चाइना में भी जो है Android 11 आ चुकी है, MIUI 12.5 आ चुकी है, ग्लोबल में भी आ चुकी है, तो अब इंडिया की बारी है। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, Redmi Note 8 Pro के लिए एक नई अपडेट यहां पर पुश की गई जिसका वर्जन था MIUI 12.0.6.0। दोस्तों यार ये 2.1 GB की अपडेट है, आप यहां पर देख सकते हैं जो कोड है वो Redmi Note 8 Pro का है और यहां से ये Q से शुरू होता है, यानी कि ये Android 10 ही है, Android 11 नहीं है। यार बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ मुझे यार देखकर कि यार 2.1 GB की अपडेट दी और उसमें Android 11 भी नहीं है, सिर्फ Android 10 ही है। बहुत ही यार मेरे को अफसोस हुआ, पर यहाँ पर एक बात सही हुई है क्योंकि ये जो अपडेट है काफ़ी बड़ी है, यानी कि आपका सिस्टम जो है पूरा फ्लैश किया जाएगा ताकि आपको छोटे मोटे जो बग्स देखने को मिल रहे थे वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सके। तो ये जो अपडेट है दोस्तों रैंडम यूज़र को देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि यार अपडेट जो है वो सभी को मिल जाएगी एक ही दिन में, तो ये जो है वो धीरे धीरे रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने इसे डाउनलोड करना है आप ट्राई करके इसे मैन्युअली ट्राई कर सकते हैं अपडेट करने की, पर मेरे हिसाब से वेट कीजिए दोस्तों क्योंकि ये अपडेट OTA द्वारा आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी अपडेट नहीं है, तो क्योंकि इसमें कुछ बग फिक्सेस ही है, छोटे मोटे कोई एक आधा फीचर होगा, कुछ ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, तो वेट कर लीजिए, अपडेट बहुत ही जल्द आ जाएगी। पर ये जो अपडेट है Redmi Note 8 Pro के लिए पुश की जा रही है MIUI 12.0.6.0 की जून सिक्योरिटी पैच लेवल, तो यार मैं पहले सोच रहा था कि शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ, यार शॉर्ट वीडियो है जो कम्युनिटी टैब है उसका नोटिफिकेशन यार अच्छे तरीके से जाता नहीं है, तो सभी यूज़र को पता ही नहीं चलता है कि अपडेट आई हुई है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बनाकर आपको सारी जानकारी दे दूँ। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी Redmi Note 8 Pro यूज़र के लिए, तो यार आज के लिए बस इतना ही।